और उसकी तरह से हम दोनों लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन
सेपरेशन ऑफ विजिबल लिक्विड जैसे कि अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर सेपरेट करने के लिए, यानी वाटर और अल्कोहल दोनों को सेपरेट करने के लिए ये यूज होता है। तो आज हमने देखा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उसका थ्योरी देखा, इसमें दो विजिबल लिक्विड को दिया जाता है, उसे हीट किया जाता है, एक वेपर फॉर्म होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, वो जल्दी से बॉइल होना चालू होगा, बॉइल होगा तो उसके पेपर भी जल्दी फॉर्म होंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो देर से बॉइल होना चालू होगा, तो उसकी वजह से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या है कि फ्रैक्शनल कॉलम यूज होते हैं, अगर जिंक दो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर नियरली सेम है तो उसमें जो लेंथ रहेगी फ्रैक्शनल कॉलम की वो ज्यादा रहेगी, अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों में डिफरेंस रहता है सॉल्यूशन में तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का लेंथ कम रहेगा, देन जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा वो जल्दी से बॉइल होना चालू होगा, और जिसका कम रहेगा वो देर से बॉइल होना चालू होगा। देन इसके यूजेस क्या है, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में यूज होता है, और जैसे सेपरेशन ऑफ विजिबल लिक्विड दो विजिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है, बाकी के जो डिस्टिलेशन एप्लीकेशन है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।